हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों, आज बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम सबसे पहले राजस्थान जो जीके है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। और दोस्तों, ये राजस्थान जीके काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चंस मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को जब मैं बोलूं तो आप इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद में आप अपना आंसर चेक करें कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों, जो कर्क रेखा है राजस्थान में किस जिले से होकर गुजरती है, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। तो दोस्तों, जो कर्क रेखा है राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। कौन से बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यहां पर बांसवाड़ा ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांसवाड़ा। अच्छे से याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, राजस्थान जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर्णगिरी किस किले को कहा जाता है। दोस्तों, स्वर्णगिरी के नाम से किस किले को जाना जाता है, जालौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, बूंदी का किला, नाहरगढ़ का किला। तो दोस्तों, जो स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है उस किले का, उसको जाना जाता है जालौर के किले को। किस किले को जाना जाता है दोस्तों, जालौर के किले को स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पोकरण किस जिले में स्थित है, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर। तो दोस्तों, पोकरण किस जिले में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। कौन से में, जैसलमेर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। दोस्तों, ऐसा कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल है। ऑप्शन देखते हैं यहां पर क्या क्या दे रखा है, जालौर का किला, नाहरगढ़ का किला, लाल किला, कोटा का किला। तो दोस्तों, वह ऐसा किला जिसमें सिर्फ एक जैसे 9 महल है, तो दोस्तों वह है नाहरगढ़ का किला। कौन सा है दोस्तों, नाहरगढ़ का किला है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां स्थित है। दोस्तों, राजस्थान में राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहां पर स्थित है, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो दोस्तों, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थित है जोधपुर में। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, आप चाहो तो इनको नोट कर लो या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं पूरा बता दूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, फाई सागर झील कहां स्थित है। दोस्तों, फाई सागर झील कहां पर स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। तो दोस्तों, जो फाई सागर झील है ये स्थित है अजमेर जिले में। कौन से में, अजमेर में। अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खाने किन जिलों में स्थित हैं। दोस्तों, टंगस्टन जो धातु है इसकी खाने राजस्थान में किन जिलों में स्थित हैं, कोटा, बूंदी, नागौर व सिरोही, बाड़मेर व जोधपुर, बी एंड सी बौद्ध। तो दोस्तों, जो टंगस्टन धातु है इसकी जो खाने हैं राजस्थान में वो स्थित है नागौर और सिरोही जिलों में स्थित है, नागौर और सिरोही में। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सर्वाधिक होती है। दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर औसत वर्षा सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो दोस्तों, वो जिला है झालावाड़। आपको अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है। दोस्तों, पटवे जानते हो आप, जो मतलब मणिहार का काम करते हैं, जो मतलब चूड़ियां वगैरह इनकी शॉप होती है, जो मतलब जो महिलाओं के जो आभूषण वगैरह है, मतलब जानते हो आप सब कुछ, जो मंगलसूत्र वगैरह ये मतलब ये बनाने का जो वर्क करते हैं वो होते हैं पटवे। पटवे की हवेली किस शहर में स्थित है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो दोस्तों, राजस्थान में पटुओं की हवेली है जैसलमेर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद रखें। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जो देवी का मंदिर है और वहां पर सबसे ज्यादा चूहे निवास करते हैं। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है, बरवाड़ा मंदिर, करणी माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, ननौद बीज। तो दोस्तों, वो मंदिर है करणी माता मंदिर। दोस्तों, जो करणी माता मंदिर है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि करणी माता मंदिर कहां पर स्थित है। तो दोस्तों, करणी माता मंदिर स्थित है कहां पर, बीकानेर में। बीकानेर में दोस्तों, इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस मंदिर में जो काले चूहे होते हैं, काले चूहे आप सभी जानते हो, एक 20,000 चूहे इस मंदिर में निवास करते हैं। कितने दोस्तों, 20,000 चूहे इस मंदिर में निवास करते हैं। कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है, करणी माता मंदिर
या फिर इसको करणी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो बीकानेर है उससे करीबन करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है देसोनक, एक गांव है जहां इससे ये मंदिर है, करणी माता मंदिर और काले चूहों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का हिंदू प्रसिद्ध मंदिर है काले चूहों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो। तो दोस्तों राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल। कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल आपको अच्छे से याद रखना है, राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है यहां पर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहां स्थित है? ब्यावर, जावर, जालोर, ननोदीज। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे बड़ी जो शीशे की खान है वो है जावर में, जावर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक लू चलती है? लू मतलब जानते हो आप सभी, जो गर्म हवाएं चलती है गर्मी में उनको कहा जाता है लू, और आंधी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है कोटा, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधी वाला जो जिला है वो है श्रीगंगानगर। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है? दोस्तों नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है? पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, कल्लाजी। तो दोस्तों जो नीली घोड़ी है ये गोगाजी की सवारी है। किसकी सवारी है दोस्तों? गोगाजी जो लोक देवता है उनकी सवारी है। क्वेश्चन नंबर 17, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? ऑप्शन है कल्लाजी, हड़बूजी, देवनारायण जी, पाबूजी। तो दोस्तों हड़बूजी जो लोक देवता है उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है हड़बूजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18, सांपों के देवता के रूप में विख्यात देवता है? सांपों के रूप में मतलब सांपों के जब काट लेता है तो उनकी पूजा भी की जाती है, कौन से देवता है? ऑप्शन दोस्तों यहां पर डायरेक्ट आंसर बताता हूं मैं आपका, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है गोगाजी। गोगाजी सांपों के विख्यात देवता है दोस्तों राजस्थान में, गोगाजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू किस लोक देवता की कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं? दोस्तों जो हिंदू समाज के जो लोग होते हैं किस लोक देवता को मतलब कृष्ण का अवतार मान के पूजा करते हैं? तेजा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, कल्ला जी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रामदेव जी। दोस्तों जो रामदेव जी है इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है और हिंदू जो हिंदू लोग होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए कि जो गुर्जर समाज के जो लोग होते हैं वो विष्णु का किस अवतार के लोक देवता की पूजा करते हैं? कहने का मतलब वो जो विष्णु का जो अवतार है विष्णु भगवान का गुर्जर समाज के लोग पूजा करते हैं वो कौन से लोक देवता है? तो दोस्तों वहां पर आंसर क्या होगा? वहां पर आंसर होगा दोस्तों देवनारायण भगवान, देवनारायण जी। समझ में आया आपको कि मतलब विष्णु का अवतार, गुर्जर समाज के लोग जो होते हैं विष्णु का अवतार मान के देवनारायण जी की पूजा करते हैं, और जो हिंदू समाज है जो हिंदू किस लोक देवता की कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं तो इसका राइट आंसर है रामदेव जी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है। यह है विष्णु का अवतार गुर्जर समाज के लोग, और यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदू किस लोक देवता की पूजा करते हैं, तो दोस्तों वह है रामदेव जी जो कृष्ण भगवान का अवतार है। क्वेश्चन नंबर 20, जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ले और अच्छे से याद रखे। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी। तो दोस्तों जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। किसको जाना जाता है दोस्तों? गोगा जी को। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में लहरिया और पौंचा प्रसिद्ध है? दोस्तों लहरिया और पौंचा किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, सीकर, बूंदी। तो दोस्तों राजस्थान में लहरिया और पौंचा जयपुर जिले के प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन से जिले के? जयपुर जिले के। क्वेश्चन नंबर 22, नाक में पहना जाने वाला आभूषण है? नाक में पहना जाने वाला आभूषण है दोस्तों, नाक में कौन सा आभूषण पहना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, जेला, चूनी, सांकली, फोलरी। दोस्तों आप बताओ इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर है नाक में पहना जाने वाला जो आभूषण है वो है चूनी। कौन सा है दोस्तों? चूनी।
दोस्तों जेहला कान में पहना जाता है और फौली पैर की जो उंगलियां हैं उनमें पहनी जाती है, और यहाँ पर जो सांकली है इसका आंसर आप लोगों को देना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सांकली को कहां पर पहना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है नाक में पहना जाने वाला, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चुन्नी। क्वेश्चन नंबर 21, सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है बारी, टीका, अनंत, नवरत्न। तो दोस्तों सर पर पहना जाने वाला जो आभूषण है ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर राइट आंसर है टीका। दोस्तों टीका क्या होता है? सर पर पहना जाने वाला आभूषण है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया था? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर ले। वापस एक बार देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था? बूंदी, कोटा, अलवर, जयपुर। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले कन्यावध जो गैर कानूनी घोषित किया था वो किया था कोटा जिले में। कौन से जिले में? दोस्तों कोटा में। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को किस स्थान पर गैर कानूनी घोषित किया गया? दोस्तों सती प्रथा आप सभी जानते हो कि जब पुराने समय में जो राजा महाराजा होते थे, जब इनकी मृत्यु हो जाती थी तो क्या होता था, मतलब जो इनकी पत्नियां होती थी इनको उन्हीं के साथ उनकी चिता में जला दिया जाता था, मतलब जबरदस्ती। इस प्रथा को कहा गया है दोस्तों सती प्रथा। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा को किस स्थान पर गैर कानूनी घोषित किया? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बूंदी। आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। क्वेश्चन नंबर 24, किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर नीम, बबूल, बांस, ननौदीज। तो दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। किसको कहा जाता है दोस्तों? बांस को। आपको अच्छे से याद रखना है बांस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा क्वेश्चन है, जाना माना क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। बारात विदा करते समय प्रत्येक बाराती तथा वर वधु को यथाशक्ति धन व उपहार आदि दिए जाते हैं उसे कहते हैं? दोस्तों जब शादी वादी हो जाती है और फिर दूल्हे दुल्हन को मतलब बारात विदा करते हैं उस समय क्या होता है, धन और राशि दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर बिंदोली, सामेला, परहावनी, मुकलावा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है परहावनी। दोस्तों जब बारात विदा की जाती है तो उस समय धन राशि दी जाती है वर वधु को, बारातियों को, उसको कहा जाता है दोस्तों परहावनी। अच्छे से याद रखना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट करना न भूले, कमेंट करते रहे ताकि दोस्तों मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय जवान जय किसान, थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।